यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर एमके जी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा शुरू से लेकर एंड तक देखें। ओके, अब शुरू करते हैं वीडियो। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, और आप सबसे पहले क्रोम ब्राउजर में जाए। ठीक है, क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद आपको सर्च करना है पीएम किसान योजना। ठीक है, पीएम किसान government.in, उसको सर्च करने के बाद आपका ये पेज खुल के जाएगा। इसमें पीएम किसान जो लिखा है उसी के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, उस पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे चला जाना है। ठीक है, नीचे चले जाने के बाद आपको दिखेगा यहाँ पे आप न्यू रजिस्ट ठीक है, यहाँ पे आप न्यू फॉर्म रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। ठीक है, जो न्यू किसान है ना वो भी अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वो आप कहाँ से चेक करोगे वो मैं बताता हूँ आपको। न्यू फॉर्म पर इस पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, और इस पर आप आधार कार्ड भी ऐड कर सकते हो। जैसे आपका आधार कार्ड जैसे नहीं लिंक नहीं हुआ है तो आप आधार कार्ड भी लिंक कर सकते हो। चलो अब मैं आप दिखाता हूँ बेनिफिट लिस्ट। ठीक है, चेक करके कि आपके कैसे कितने रुपये कैसे आए हैं, कैसे देखें अपने पैसों को। ठीक है, चलो अब इस पर थोड़ा बस जूम छोटा सा दिख रहा है। इसे पूरा करने के बाद आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर से चेक कर सकते हो, आधार कार्ड नंबर से भी चेक कर सकते हो, मोबाइल नंबर से भी चेक कर सकते हो। ठीक है, मैं अपने आधार कार्ड नंबर से चेक करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, मैं डालूँगा अपना आधार कार्ड नंबर। इसमें आधार का पहले नंबर पर आधार का नंबर है, उस पर क्लिक करके आधार का नंबर डालें। डालने के बाद ठीक है, फिर उस पर क्लिक करके आप अपना देख सकते हैं। ठीक है, मेरा देखो देखा है, इसमें ऑटो किस्त आ चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही आप भी चेक कर सकते हो। मेरी तो ऑटो किस्त आ चुकी है, जिसकी किस्त नहीं आई है वो आप जैसे कोई भी प्रॉब्लम दिख रही है उस पर आधार कार्ड लिंक कर सकते हो, नहीं तो न्यू फॉर्म रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।